समय एक ऐसा फेनोमेना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है उसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा किया है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वाले लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको समय यात्रा से जुड़ी ऐसी प्राचीन कलाकृतियों को दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप भी ये मानने लगेंगे कि समय यात्रा संभव है और हमारे पूर्वज समय यात्रा किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन प्राचीन कलाकृतियों को जिसमें समय यात्रा का सबूत साफ साफ देखा जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप जाएं और आपको स्मार्टफोन स्क्रीन पर सिर झुका हुआ और आंखों से चिपके हुए लोगों को देखने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या उनके पास 17वीं शताब्दी में आईफोन थे या 1937 के बारे में क्या कहेंगे? ये वो तारीख है जब आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया चित्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड शहर के डाकघर में स्थापित किया गया था। मिस्टर पिंचन एंड द सेटलिंग ऑफ स्प्रिंगफील्ड नामित ये अम्बर्टो रोमानो नामक एक इटालियन कलाकार द्वारा बनाया गया था और 1620 के दशक में शहर में बसने वालों के आगमन को दर्शाता है। दृश्य के बीच में एक नेटिव अमेरिकन एक छोटी काली आयताकार वस्तु को पकड़े हुए है और सीधे उसे देख रहा है। ये देखने में बिल्कुल आज के समय का एक स्मार्टफोन जैसा लगता है, या यूं कहें कि एक आईफोन से काफी मिलता जुलता है। इस तस्वीर को देखने में ऐसा लगता है जैसे वो एक सेल्फी खींच रहा होगा। इस पेंटिंग को देखने के बाद ब्रायन एंडरसन ने निष्कर्ष निकाला कि डिवाइस जिसे लोग मोबाइल फोन या आईफोन बता रहे हैं वो असल में एक मिरर भी हो सकता है और इस बात की संभावना सबसे अधिक है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जो इस पेंटिंग में स्मार्टफोन जैसी चीज दिख रही है वो वस्तु मिरर ही है जो उस समय में ऐसे आदान प्रदान में एक दूसरे को दिए जाते थे। हालांकि इस तस्वीर के लिए कई अलग अलग धारणाएं दी जाती हैं। एप्पल की तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद हमें इस बात पर संदेह करना होगा कि स्टीव जॉब्स ने किस तरह ये पता लगाया कि 17वीं शताब्दी के समय में वापस कैसे जाया जाए। ये पहली बार नहीं है कि आधुनिक दिखने वाले गैजेट कला के प्राचीन कार्यों में दिखाई दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि 100 BC वर्ष की एक मूर्ति ने पिछले साल कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बीच एक उत्साह जगा दिया था जिसमें ये दावा किया गया कि इस आर्ट में दिखाई दे रहा एक गैजेट एक लैपटॉप की तरह दिखता है। मालिबू में जे पॉल गेट्टी संग्रहालय में रखी गई मूर्ति में एक युवा लड़की को एक अन्य महिला को एक वस्तु पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि वस्तु केवल एक शैलो चेस्ट या संभवतः एक वैक्स टैबलेट है। ऑनलाइन सिद्धांतकारों के पास एक और विचार है। यूट्यूब चैनल स्टिल स्पीकिंग आउट पर पोस्ट करते हुए कुछ का मानना है कि वस्तु एक आधुनिक समय का लैपटॉप है और समय यात्रा का प्रमाण है। वीडियो के कंप्यूटरीकृत कथन के अनुसार मूर्ति कला एक आश्चर्यजनक वस्तु को दर्शाती है जो एक आधुनिक लैपटॉप या किसी हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण के साथ एक आश्चर्यजनक समानता रखती है। लेकिन YouTube वीडियो पर कुछ कमेंटकारों ने मजाकिया पक्ष भी रखा है। एक का कहना है कि ये पिज्जा है, छोटे आकार का पिज्जा। आदमी ने एक प्राचीन यूनानी आलसी महिला ग्राहक को पिज्जा दिया और वो उस डब्बे को खोलकर ये देख रही है कि क्या उस पर पेपरोनी है। ये कहना सेफ है कि हमने अभी तक समय यात्रा के विज्ञान का पता नहीं लगाया है। बोनावेंटुरा सालिम्बेनी की पेंटिंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ द यूचरिस्ट भगवान और यीशु को एक स्पुतनिक उपग्रह की तरह दिखने वाले सैटेलाइट के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखती है। स्वाभाविक रूप से ये UFO प्रशंसकों द्वारा प्रिय है, लेकिन वास्तविक स्पष्टीकरण थोड़ा अधिक पेशेवर है।
विशेषज्ञों ने कहा है कि अजीब गेंद आकाशीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ब्रह्मांड, और छड़ी भगवान के नियंत्रण को दर्शाने के लिए होती है। तो दोस्तों, आपने भी इन कलाकृतियों को देखा जिसमें ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे ये लगता है कि भूतकाल में हमारे पूर्वज टाइम ट्रेवल किया करते थे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें।